गाजीपुर में 43% के करीब ओबीसी वोटर है, इसके अलावा 21% के करीब अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं। ऐसे में यह तबका यहां पर बड़ी निर्णायक भूमिका निभाता है। अभी तक के अगर चुनावों की बात करें तो अंसारी परिवार का दावा है कि उनका ओबीसी और अनुसूचित जाति के वोटरों में अच्छा खासा प्रभाव है। ऐसे में इस दावे के एक बार फिर से 2024 के चुनाव में परीक्षा होनी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी यह दावा कर रही है कि ओम प्रकाश राजभर भी उनके साथ हैं और बीजेपी इस बार सारे गणित पलट देगी। गाजीपुर में अंसारी परिवार की सियासत अगर परवान चढ़ी तो इसके पीछे यहाँ का जाति और धार्मिक समीकरण ही है। यहाँ मुस्लिम आबादी 2,70,000 तो दलित मतदाता 4 लाख के आसपास है। यादव वोटर 4.5 लाख के करीब है तो बाकी के ओबीसी वोटर भी 4 लाख के करीब है। इसी समीकरण के सहारे 2004 में भी अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर गाजीपुर से चुनाव जीते थे और एक बार फिर प्रबल दावेदार है। जो लोग इस वक्त सत्ता में हैं, ये पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में लेने की नाजायज कोशिश लगातार कर रहे हैं। अभी तक एक अंतिम उम्मीद अगर कहीं बची हुई रह गई है किसी सामान्य व्यक्ति की, तो वो हमारे स्वतंत्र न्यायालयों में रह गई है उम्मीद। लेकिन उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर दबाव और ज़बरदस्ती उसमें भी शुरू हो गई है। पुलिस के ही बड़े अधिकारी ने ये बताया कि हम उनमें से उनके तमाम मामलात का पता कर लेते हैं और फिर उन्हें विवश कर देते हैं, जो हम चाहते हैं वही हो। मालिक चाहेगा तो 4 तारीख के गणना के बाद ऐसे लोगों को जो पूरे देश के सिस्टम को हाईजैक कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो देश के संविधान को दरकिनार कर रहे हैं और देश के लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, भारत की जनता जग चुकी है और ऐसे लोगों को दिल्ली की गद्दी से हटाएगी और कभी मौका नहीं देगी। अफजाल अंसारी 5 बार विधायक भी रह चुके हैं, 2 बार के सांसद हैं और 3री बार दिल्ली जाने की तैयारी में है। लेकिन सामने है बीजेपी का बैरियर, जिसे पार करना इस बार बड़ी चुनौती है। बीजेपी के साथ साथ उसके सहयोगी दल भी गाजीपुर में कमल खिलाने की कोशिश में जुटे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, कौन जीत रहा है यहाँ गाजीपुर में? मोदी जी ने। मोदी जी, क्या किया मोदी जी ने, कुछ किया काम वाम? क्या काम किया? हमारा आवास बनाना एकदम। इस बार 400 पार है गाजीपुर से पारसनाथ राय, 1 से 1.5 लाख वोटों से यहाँ से जीतने जा रहे हैं चुनाव। बीजेपी का क्या लग रहा है? मोदी है यहाँ से पारसनाथ राय भारी मतों से विजयी होंगे, कम से कम 1 लाख ऊपर वोटों से ऊपर। यहाँ पे जो भी मनोज सिन्हा ने कार्य किया है धरातल पे दिख रहा है। यहाँ पे रेल की देख लीजिए। गाजीपुर वो लोकसभा सीट है जहाँ जनता का मिजाज वक्त वक्त पर बदलता रहा है। इस सीट पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई सांसद लगातार 2 बार चुनाव जीता हो। अगर अफजाल अंसारी इस बार चुनाव जीतेंगे तो ये गाजीपुर के लिए नया रिकॉर्ड होगा और इसका फैसला करेगी गाजीपुर की जनता। गाजीपुर रेलवे स्टेशन के पास हम यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी भाई साहब, बताइए क्या लग रहा है इस बार गाजीपुर में, क्या हो रहा है, कैसा चुनाव चल रहा है? बदलाव कुछ नहीं होने जा रहा है, बस इतनी सी बात है। और कारण समझिए कि गाजीपुर के विकास के बारे में अंग्रेजों के बाद, अंग्रेजों में 1820 में अफीम फैक्ट्री की स्थापना की, उसके बाद जो है कोई इंडस्ट्री लगी नहीं और आज तक नहीं लगी और आगे भी किसी के मैनिफेस्टो में इंडस्ट्री लगाने का नहीं है। और जब तक इंडस्ट्रियल बेल्ट की स्थापना ही नहीं होती, विकास जैसी चिड़िया बेमानी है। जी यहाँ के माहौल तो 50-50 है। देखिए यहाँ गठबंधन के प्रत्याशी कम से कम पिछली बार 1.25 लाख के वोट से चुनाव जीते, इस बार 2 लाख से ऊपर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये तो अंतर बता दिया, आप बताइए भाई। हमारा अफजाल भैया जीतेंगे। ऐसा क्यों? ऐसे जीतेंगे वो कि पहले तो सरजो पाड़े इस गाजीपुर के ले बीते, ये अफजाल बंधु है, ये ले बीते। विकास का कारण ये दोनों लोग खत्म कर दिए, ये बदलाव चाहिए गाजीपुर का। इस बार का जो है हमारे विचार से जातिवाद की सारी हदें टूट गई हैं। विकास पूरे हिंदुस्तान में विकास ही मुद्दा है इस बार, और जातिवाद का काम इस बार एकदम खत्म हो जाएगा। 4 जून को बीजेपी की सरकार बन रही है। देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे अफजाल अंसारी जी भारी दिख रहे हैं कहीं ना कहीं,
क्योंकि लोग 2019 के चुनाव और इस चुनाव में काफ़ी अंतर देखा जाए। अगर यहाँ मनोज सिन्हा जी लड़ते तो वो विकास पुरुष थे, उनकी जीत सुनिश्चित थी, लेकिन कहीं ना कहीं पारस राय से और अफजाल अंसारी से अगर देखा जाए तो अफजाल अंसारी टक्कर दे रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा वोटों से। तो यहाँ पर यानी आपका कहना है कि मुकाबला कांटे का है? जी, मुकाबला यहाँ पे कांटे का ही रहेगा सर। अफजाल अंसारी और पारस राय में दोनों लोग में बहुत ज़्यादा का अंतर होगा वोट को लेकर। अगर अफजाल अंसारी को सजा अगर नहीं होती है तो कम से कम ये लाख वोट के ऊपर से यह जीत हासिल कर सकते हैं। लड़ाई कांटे की है। अफजाल के समर्थक भले उत्साहित हो लेकिन अफजाल का रास्ता अभी भी साफ नहीं है। गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा दी थी, इस हिसाब से वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगा दी और इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा था कि 30 जून से पहले फैसला सुनाया जाए। इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई सोमवार को पूरी हो गई लेकिन फैसला भी नहीं आया। इस बीच अफजाल अंसारी ने हाई कोर्ट से 5 दिन की मोहलत मांगी है। अफजाल चाहते हैं कि 1 जून को वोटिंग के बाद ही इस केस में कोर्ट कोई फैसला सुनाए। अपनी याचिका में अफजाल अंसारी ने गैंगस्टर केस में मिली सजा को रद्द करने की मांग की है। अब अगर अफजाल अंसारी को हाई कोर्ट से राहत मिल गई तब तो उनके लिए ठीक है, नहीं तो उन्होंने अपनी बेटी से भी निर्दलीय नामांकन भरवाया है जो उनकी जगह पर चुनाव लड़ेंगे। कुल मिलाकर गाजीपुर की लड़ाई इस वक्त ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां से कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा। हाथ खड़ा करके बताइए कि कौन कौन महंगाई से परेशान है। मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में मौत के बाद ये लोकसभा चुनाव हो रहा है, ऐसे में यहाँ का जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि 2019 के हार का बदला इस बार जीत करके लिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि इस बार जीत और भी बड़ी हो गई। खैर, दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं लेकिन ग्राउंड की हकीकत यही है कि गाजीपुर की जंग बेहद दिलचस्प है और यहाँ का जो भी परिणाम होगा वो पूर्वांचल की राजनीति पर उसके गहरे निशान होंगे और उसके बड़े मायने भी होंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।